पबजी गेम खेलते हुए कुछ ऐसा हुआ कि भाई ने बहन की ले ली जान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाई ने कुल्हाड़ी से अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर पबजी गेम खेलता रहा। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिचीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है एमपी के कटनी जिले की। एमपी के कटनी जिले में पप्पू चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 50 साल। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, उसकी पत्नी भी उसके साथ रहा करती थी और उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की 14 साल की थी और लड़की का नाम था पूनम चक्रवर्ती और लड़का 12 साल का था, उसका नाम था अभिषेक चक्रवर्ती। दोस्तों, सभी मिलजुल कर अपने घर में रहा करते थे, लेकिन समय की चाल तब उल्टी होती है जब कोरोना की लहर आती है देश के अंदर। जैसे ही कोरोना की लहर आती है तो उन बच्चों का स्कूल छूट जाता है, क्योंकि आपको पता है स्कूल बंद होते थे और स्कूल छूटने के बाद वह बच्चे घर पर ही खेलते रहते थे। अब उनके माँ बाप को उनकी चिंता हुई। स्कूल के टीचरों ने भी ये कहा कि इन बच्चों को फ़ोन वगैरह दिला दीजिए जिससे कि ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकें। तो माँ बाप ने उनके फ़ोन के लिए एक इंतज़ाम किया और उन बच्चों को फ़ोन दे दिया। दोस्तों, वो बच्चे पढ़ाई कम किया करते थे और उस पर पबजी गेम ज़्यादा खेला करते थे। घर वाले उनसे झिल्लाते भी थे कि तुम पढ़ाई करने के लिए तुम्हें ये फ़ोन दिलाया गया है, तुम पढ़ाई किया करो, पबजी गेम मत खेला करो। लेकिन बच्चे हैं जनाब, कहाँ मानने वाले हैं। बच्चे तो पबजी गेम में भुत थे और पबजी गेम में ही कुछ ना कुछ बनना चाहते थे। दोस्तों, उनके माँ बाप अपने खेतों पर चले जाया करते हैं, जिसका नाम पप्पू चक्रवर्ती है और उनकी माँ उषमा देवी खेतों में काम करने के लिए चले जाया करते हैं और उन बच्चों को फ़ोन दे दिया करते हैं और कहते हैं कि इस फ़ोन से पढ़ाई करना है तुम्हें। लेकिन बच्चे पबजी गेम खेला करते थे पीछे से। जैसे उनके माँ बाप खेतों पर चला जाया करते थे तो उनके बच्चे पीछे से उस फ़ोन के अंदर पबजी गेम खेला करते थे। दोस्तों, दोनों बहन भाई बारी बारी पबजी गेम उससे खेला करते थे। एक दिन इसी तरह से उनके माँ बाप खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से दोनों बहन भाई घर में अकेले रह जाते हैं। वो बहन है जो उस लड़के की, जिसका नाम पूनम है, पूनम पबजी गेम खेल रही थी फ़ोन पर। उसके बाद उसके भाई ने कहा कि मुझे दिखा दीजिए अब फ़ोन, अब मैं पबजी गेम खेलूँगा इस पर। तो दोस्तों, पूनम उसको फ़ोन देती नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे इसी तरह की जिद किया करते हैं। तो दोनों बहन भाई में लड़ाई होने लगती है। जो उसका भाई होता है पूनम का, जिसका नाम अभिषेक होता है, वो अपनी बहन से जोर जोर से लड़ाई करने लगता है और फ़ोन को छीनने लगता है। लेकिन उसकी बहन उस फ़ोन को नहीं देती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसका भाई होता है जो अभिषेक, वो कोने में रखे हुए फावड़े के जो डंडा होता है, फावड़े का डंडा, उसको लेकर आता है और अपनी बहन में दो चार उसको मार देता है। उसके बाद उसकी बहन रोने लगती है, तड़पने लगती है। तो इसी बीच में वह अपनी बहन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और खुद चलाने लगता है। अब जब वह उस फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और चलाने लगता है तो उसमें पासवर्ड चेंज कर रखा था। पासवर्ड जो पैटर्न होता है वो चेंज कर रखा था उसकी बहन ने, जो फिंगरप्रिंट से जो फ़ोन खुलता है उस तरह का किया हुआ था, यानी कि उंगली को टच करते हैं तब फ़ोन खुलता है, फ़ोन का पासवर्ड खुलता है। अब यह देखकर वह भाई जो अभिषेक होता है और भी ज़्यादा क्रोध में हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब वह अपनी बहन से कहता है कि उंगली लगा इस पे, जो पासवर्ड है उसको खोलना है, फ़ोन को चलाना है। लेकिन उसकी बहन अपनी हट के कारण उंगली नहीं लगाती और कहती है मैं नहीं दूंगी फ़ोन तुझे और नहीं मैं उंगली लगाऊंगी इस पे। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह अपनी बहन को फिर पीटने लगता है और जैसे उन दोनों के बीच में द्वंद्व बढ़ जाता है तो वह सामने रखी कुल्हाड़ी को लेकर आता है और कुल्हाड़ी से अपने बहन के ऊपर प्रहार करने लगता है। दोस्तों, देखते ही देखते उसकी बहन तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है और फिर उसके बाद अपनी मरी हुई बहन की उंगली से उस फ़ोन का लॉक खोल करके अपनी बहन के मृत शरीर के पास ही बैठ कर वह अभिषेक नाम का लड़का पबजी गेम खेलने लगता है। उसको इतना भी ये नहीं हुआ था कि मेरी बहन मर चुकी है, मैं पबजी गेम खेल रहा हूँ, उसको इतना भी ख्याल नहीं था। बहन मरी हुई पड़ी थी और उसके पास बैठा हुआ वह बाबूजी पबजी गेम खेल रहा था। दोस्तों, शाम होती है, शाम तक वह पबजी गेम खेल रहा था। शाम को उसके घर वाले आते हैं तो देखकर उनकी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और घर वालों की रूह कांप जाती है वह नज़ारा देखकर। कमरे के अंदर खून फैला हुआ पड़ा था और जो उनका बेटा था अभिषेक, वो वहीं पर उनकी मरी हुई बेटी के पास बैठकर पबजी गेम खेल रहा था। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है और उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, किसकी गलती है,
क्या उनके माँ बाप की गलती है, उन्होंने उनको फोन दिलवाया था, या फिर किसकी गलती, आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित प्रोग्राम्स हम लेकर अपने चैनल तिरछी बात पर आते हैं। हमारे चैनल तिरछी बात को सब्सक्राइब जरूर करें, YouTube में जाएं वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और Facebook पेज पर तो आप देख ही रहे हैं, इसको भी फॉलो कर लें। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनों को संभाल कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।